हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कमाल की वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडोबी का बहुत ही पावरफुल फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो कि एडोबी फोटोशॉप, जिसका हम सबसे लेटेस्ट वर्जन 2024 सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे अपडेटेड और लेटेस्ट वर्जन आपको सिखाऊंगा, जिसमें जो कि आपको नए फीचर्स देखने को मिले। एडोबी ने अभी रिसेंटली इतने तगड़े तगड़े फीचर्स डाले, मजा जाएगा। उन सबको मैं आपको बिल्कुल बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा और ये हमारी लगभग 20 से 25 वीडियो की एक सीरीज होने वाली है, जिसमें मैं आपको 15 से 20 मिनट के छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स लेकर के आऊंगा। तो स्टार्टिंग से क्लास आप अटेंड करें, फर्स्ट जो वीडियो देख करके लास्ट वीडियो तक देखें, आप वाकई में बहुत अच्छी फोटो एडिटिंग सीख जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए, जैसे ही हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपके यहाँ पर रिसेंट टेम्पलेट जो भी आपने काम किया होगा वो दिखाई देगा। जैसे हम मैंने कुछ फोटोस एडिट किए थे, उनकी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। इन्हें अगर आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं एक नया फोटो लेकर के आना चाहता हूँ यहाँ पे। तो नए के लिए न्यू फाइल करना है आपको क्रिएट। देखिए, अगर आपको ये फोटो लेके आना है तो ओपन पे क्लिक करना है। अगर आपको खाली टेम्पलेट लेना है, खाली सीट लेना है जिसपे आपको कुछ फोटो का काम करोगे बाद में, तो न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है। तो देखो, हम न्यू से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे बेसिक आपको हर एक चीज के बारे में इसमें जानकारी दूंगा। तो जैसे ही सबसे पहला काम क्या करना है, न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद में देखो, रिसेंट जो मैंने टेम्पलेट यूज़ किए हैं उनका साइज़ आ गया है। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे टेम्पलेट बना करके दे रखे हैं, सेव्ड दे रखे हैं। अगर आप कुछ सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे सेव कर सकते हो। फोटो के लिए अलग टेम्पलेट हैं, प्रिंट के लिए अलग टेम्पलेट हैं, यहाँ पर आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का अलग अलग साइज़। अब देखो, आप यहाँ पे उन्होंने पहले से साइज़ बना करके दे दिए, आप इनमें से किसी एक साइज़ का यूज़ कर सकते हो। अगर इनमें से नहीं करना आपको किसी एक साइज़ का यूज़, तो आप कस्टम यहाँ पे लिख सकते हो, आपको कितनी चौड़ाई चाहिए, कितनी लंबाई चाहिए। यहाँ पे आप लिख दो, पिक्सेल में चाहिए, इंचेस में चाहिए, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हर एक चीज़ यहाँ पे आ जाएगी क्लियर। तो आप लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ से टेम्पलेट बने हुए हैं ले सकते हो। तो मैं अभी HDTV 1080p लेता हूँ, जिसका रेजोल्यूशन है 72 PPI, मतलब कि 72 पिक्सल पर इंच। एक इंच में 72 पिक्सल होंगे। पिक्सल क्या होंगे ये भी समझाऊंगा मैं आपको। दोस्तों घबराना नहीं है, आप मेरी वीडियो में आ गए हो ना, मजा आ जाएगा। बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ समझाऊंगा मैं आपको बेहतरीन तरीके से। तो देखो, RGB कलर मोड रहने देना, 8-bit रहने देना, इनको कुछ छेड़खानी नहीं करना आपको। ये ऑप्शन मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब ये जो कैनवास रहेगा उसका आप कलर आप कैसा लेना चाहते हो, अभी तो बाय डिफॉल्ट वाइट है, वाइट ही रहने देते हैं। अगर आप यहाँ से कलर चेंज करना चाहें तो वो कलर भी ले सकते हैं, तो हम वाइट ही रहने देते हैं और क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। 1 या 2 सेकंड का टाइम लेगा, आपके लिए एक ब्लैंक सीट यहाँ पे क्रिएट करके दे दी उसने, और हमने इसका साइज रखा था फुल HD। अब जैसे ही हम खोलेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा फोटोशॉप का। सबसे ऊपर देखो मेन्यू बार है, उसके बाद में यहाँ पे प्रॉपर्टी बार, इसे बोलते हैं हम, ये प्रॉपर्टी बार है। इधर टूल बार है, जो भी टूल आप सिलेक्ट करोगे देखो ऊपर प्रॉपर्टी बार चेंज हो रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी बार है ना, टूल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जो भी टूल आप सेलेक्ट करोगे ना, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर्टी बार आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री हमें दे रखी है कि हम जो भी इसमें काम करना चाहें तो इसमें हिस्ट्री क्रिएट होती जाएगी। वो हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हो। कुछ आपको पैटर्न, ग्रेडियंट, स्वेचेस, कलर के और टैब दे रखे हैं, इनका यूज़ क्या होता है ये भी बताऊँगा आपको। लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेयर, चैनल और पाथ, इन तीनों का क्या यूज़ है ये भी आपको समझाऊंगा। तो अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखो लेयर, लेयर पे अगर देखेंगे तो एक ये जो लेयर दिखाई दे रही है जिसका नाम है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड लेयर है और आगे लॉक बना हुआ है। ये लॉक है, मतलब कि अगर आप ये जो देख रहे हो ना ब्लैक कलर की, सॉरी व्हाइट कलर की आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये वही बैकग्राउंड है जो अभी हम लेकर के आए हैं फुल HD जिसका साइज है। तो ये जो बैकग्राउंड है ना, एक नई लेयर के फॉर्म में बन जाता है। अब लेयर क्या होता है, लेयर मतलब होती है परत। अब इसके ऊपर आप जितनी फोटो लेकर के आओगे वो इसके ऊपर रखे होते जाएंगे। जो चीज़ सबसे ऊपर होगी लेयर में वो आपको पहले दिखाई देगी, जो पीछे होगी वो छिप जाएगी। आपने देखा होगा कई बार ऐसे कि एक लाइन में कुछ लोग खड़े हुए हैं, आगे वाले लोग आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं, पीछे वाले जो छिप जाते हैं तो वो आपको थोड़े बहुत यहाँ से दिख रहे हैं, ऊपर नीचे से या साइड से अगर हो गए हो तो दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ही लेयर का काम है, ये जो बैकग्राउंड लेयर है इसके ऊपर जो भी फोटो लेयर लेकर के आएंगे तो वो लेयर हमें दिखने लगेगी और ये बैकग्राउंड लेयर उतनी जगह छिपती जाएगी, तो वो भी हम आगे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो हमारा टूल है
इसको सीखेंगे। इस पे अगर आपको लेफ्ट क्लिक करना है माउस से, तो यहाँ पे देखिए हमारा मूव टूल सिलेक्ट हो गया है। इसमें मूव टूल की शॉर्टकट की क्या है, वी है, देखो इन्होंने यहाँ पे दे भी रखा है। मूव टूल लगाने के लिए आपको डायरेक्ट कीबोर्ड में वी टाइप कर देना है, मूव टूल लग जाएगा। अब जैसे ही मूव टूल का काम क्या होता है कि एक चीज़ को दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, मूव करना, ठीक है। तो अब ये जो हमने वाइट कलर का ये जो ले रखा है सीट, इसको हमें मूव करना है। तो देखो यहाँ से आपको क्लिक करके आगे तरफ ले जाना है, तो ये मूव नहीं हो रहा है। इसने एक नोटिस दिया है कि अब ये जो आपकी लेयर है ना वो लॉक है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल लेयर में, उसके बाद में हो पाएगा। या तो यहाँ से कन्वर्ट कर लो, या दूसरा तरीका है ये जो लॉक बना है इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल लेयर हो गई, ठीक है। और इसको ओके कर देना, कुछ इसमें चेंज नहीं करना। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो लेयर लेना है इसको आप इस तरीके से पकड़ के खिसकाओगे तो ये जो हमारी लेयर है वो खिसकती चली जाएगी, ठीक है। मूव टूल का काम क्या है, एक चीज़ को दूसरी जगह पे ले जाना। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब मैं इसमें एक फ़ोटो लेकर के आता हूँ। फ़ोटो कैसे लाते हैं, आपको जाना है फाइल में, ओपन पे क्लिक करना है। तो आपके कंप्यूटर में जहाँ भी कोई फ़ोटो डाला होगा, डाउनलोड में देखते हैं, जो भी फ़ोटो डाला होगा आप लाना चाहते हो तो वो कंप्यूटर में से ला सकते हो। तो मैं एक ये फ़ोटो लेता हूँ, ये फ़ोटो मैंने लिया। जैसे ही मैंने ओपन किया तो आप देखेंगे ये अलग विंडो में खुल चुका है। एक विंडो हमारी देखो आपको यहाँ से दिखाई देगी, एक विंडो तो अनटाइटल्ड वन थी ये वाइट कलर की, और दूसरी हमारी ये है। अब इस विंडो को आप पकड़ के नीचे की तरफ लाओ तो ये अलग हो गया फ़ोटो, ठीक है। इसको यहाँ से मूव टूल ही सेलेक्ट रखना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना है मूव टूल सेलेक्ट हो। इसको पकड़ के यहाँ पे छोड़ देना है, तो आप देखेंगे ये फ़ोटो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ चुका है हमारी उस लेयर पे। अब ये जो फ़ोटो आपने ओपन किया था इसको ज़रूरत हो तो बंद कर दो, नहीं मिनिमाइज़ भी कर सकते, मैं बंद कर देता हूँ। तो आप ध्यान से देखेंगे आप लेयर में, ये जो वाइट कलर की सीट ली थी वो नीचे पहुँच गई, ऊपर हमारा क्या है, ये फ़ोटो है। आप देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, फ़ोटो ऊपर इसलिए दिख रहा है। अब इस फ़ोटो को आप नीचे करोगे, देखो ड्रैग करना है कुछ नहीं, नीचे करोगे तो फ़ोटो छिप चुका है, फ़ोटो है लेकिन दिखेगा नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, जो लेयर में सबसे ऊपर होगा वो आपको पहले दिखाई देगा, जो पीछे चला जाएगा वो छिप जाएगा। तो ये हमारा फ़ोटो पीछे चला गया, छिप गया है, इसको हम ले आते हैं आगे, ठीक है। अब मूव टूल का काम क्या होता है, आप इस फोटो को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे कि सबसे पहला इसमें ऑटो सेलेक्ट का। ऑटो सेलेक्ट का मतलब क्या है, जैसे एक फोटो ये है, मैं एक फोटो और लेकर के आता हूँ तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक ये वाला फोटो ले लिया हमने, ठीक है। इस फोटो को हमें उस पर कैसे ले जाना है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से पकड़ के इस फोटो को यहाँ पे छोड़ दिया हम, और ये जो लेकर आए थे इसे भले ही बंद कर। अब ऑटो सिलेक्ट आपको चालू रखना है, क्यों चालू रखना है, देखो यहाँ पे लेयर भी नहीं बन चुकी है, एक इस वाले फोटो की बन चुकी है और एक नीचे ये इस मैन की फोटो बन चुकी है जो कि मोबाइल पकड़ा हुआ है। तो दोनों हमारा ऑटो सेलेक्ट चालू है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फोटो को पकड़ के यहाँ पे खिसका सकते हैं, इस फोटो को पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आप लेयर देखो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रही है। तो ऑटो सेलेक्ट का काम क्या है, देखो ये पीछे बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट हो रही है। तो ऑटो सेलेक्ट का काम क्या है, जिस भी लेयर पे आप क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी और उस लेयर पे काम होने लगेगा। ये देखो बैकग्राउंड लेयर भी आप खिसका सकते हो, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर ये दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट पिक्सल, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी व्हाइट कलर की सीट है ना, अब एक व्हाइट वॉलपेपर बन चुका है, तो इसको खिसका सकते हो। अगर आप ऑटो सेलेक्ट बंद कर दोगे तो जो भी लेयर आपकी सेलेक्ट होगी बस उसी पे काम होगा। जैसे इस पे काम है, अगर मैं चाहूँ इस फोटो खिसकाना, नहीं खिसका होगा, इसको पीछे वाइट बोर्ड को नहीं खिसका होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑटो सेलेक्ट बंद कर रखा है, जो लेयर आप पकड़ोगे बस वही लेयर खिसकी हो। तो हम क्या करेंगे, वापस से ऑटो सेलेक्ट चालू कर देते हैं। तो देखिए आप ऑटो सेलेक्ट चालू करते से ही, सॉरी अभी नहीं हुआ, चालू करते से ही देखिए जो भी लेयर आप पकड़ोगे उस पर काम होना चालू हो जाएगा। ऑटो सेलेक्ट का यूज़ कब होगा, जब आप बहुत बारीकी से काम कर रहे हो ना, तब दूसरी लेयर पकड़ में आ जा रही तो ऑटो सेलेक्ट बंद कर, जो आप लेयर सेलेक्ट करोगे उस पे ही काम होगा। अब इसमें एक ऑप्शन है लेयर का या ग्रुप का, ये देखिए आगे बताऊंगा ग्रुप क्या होता है, ग्रुप किस तरीके से बनाते हैं हम लेयर का और उसको किस तरीके से सेलेक्ट करना है, ठीक है, हम आगे समझेंगे। फिलहाल आपको लेयर रहने देना है। एक ऑप्शन है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। अब ये किस तरीके से काम करता है, जैसे हमने ये फोटो सेलेक्ट किया, ठीक है, जैसे ही आप शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे क्लिक करोगे तो देखो आपकी जो भी लेयर सेलेक्ट होगी उसके चारों तरफ बाउंड्री पे एक इस तरीके के डॉट बने आ जाएंगे। इनका मतलब क्या है कि आप इस फोटो को इन डॉट को पकड़ के रिसाइज कर सकते हो, फोटो को छोटा करना है या बड़ा करना है, ठीक है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप फोटो को छोटा या बड़ा करना चाहते हो कॉर्नर के डॉट पकड़कर ही करें। तो ये जो डॉट पकड़ के आप कोई भी डॉट पकड़ोगे तो ये फोटो छोटा या बड़ा
होगा। अब देखो आप कॉर्नर पे आएंगे तो माउस का निशान चेंज हो जाएगा इस तरीके का तिरछा एरो, ठीक है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो फोटो हमारा रोटेट होने लगेगा। अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो रोटेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको साइज़ छोटा बड़ा करना है इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप ध्यान दोगे साइज़ छोटा या बड़ा एक फिक्स रेशो में हो रहा है। अगर आप अपने हिसाब से करना चाहते हो तो आप शिफ्ट बटन दबा लें कीबोर्ड पे, उसके बाद आप जैसा चाहो वैसा छोटा या बड़ा कर सकते हो, लेकिन ये साइज़ उसका वो बिगाड़ देता है। तो इससे अच्छा आप क्या करें, शिफ्ट बटन को ना ही दबाएं। शिफ्ट बटन नहीं दबाएंगे तो उसी अनुपात में छोटा या बड़ा होगा हमारा फ़ोटो। और ऊपर भी कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आप अपने हिसाब से, यहाँ पे एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, बेड हाइट ये दे सकते हैं, कहाँ पे रखना है। ये तो पोजीशन है कि सीट में आपको कहाँ पे रखना है इस फोटो को, ठीक है। तो ये पोजीशन है, उसके अलावा आपको इसकी बेड तो और हाइट में चेंजेस करना है, एंगल में चेंजेस करना है। आपको 45 डिग्री में करना है तो 45 हो गया टाइप कर देना है, ठीक है। अभी तो हम नॉर्मल कर देते हैं 0, तो ये करके राइट टिक कर, आ गए समझ में। सो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का मतलब क्या है, जिस भी फोटो पे आप क्लिक करोगे तो उसके चारों तरफ बाउंड्री आने लगेंगी, उसको आप रिसाइज कर सकते। इस पे क्लिक करोगे और राइट टिक जरूर कर देना, इस पे टिक करोगे तो ये जो आप सीट है वाइट सीट इसको भी रिसाइज कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो आप एक बार और इस वीडियो को रिपीट कर लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत तगड़े और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ एक एक कर करके। मुझे काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। तो अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करके आपको परफेक्ट फ़ोटो एडिटिंग एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ। तो देखिए इन टूल्स की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें आप एक बार। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, वीडियो देख करके रह जाओगे तो आने वाले 2-4-6 दिन, महीने 2 महीने बाद आप भूल जाओगे। इससे अच्छा है आप प्रैक्टिस करते रहो और साथ में मेरे साथ बढ़िया एडिटिंग स्किल्स सीखते जाओ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।